इस देश में नारी सम्मान कितना बड़ा ढकोसला है ना। आप जानते हैं आपके स्क्रीन्स पर यह किस आदमी का वीडियो है? यह है कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवा राम जैन। इनके दो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आरोप यह लगाया है कि मेवा राम और उसके साथियों ने एक औरत के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यही नहीं, उसकी 15 साल की बेटी के साथ भी लगातार छेड़खानी की जाती रही। ये जो दो वीडियो वायरल हो रहे हैं दोस्तों, उसी औरत की बेटी ने बनाए हैं। वो वीडियो मैं देख चुका हूं दोस्तों, वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि उसमें बेटी की पहचान जाहिर हो रही है। मगर मेवा राम पर जो आरोप लगाए ना, वो बहुत शॉकिंग है। जब कांग्रेस की सत्ता राजस्थान में थी, तब मेवा राम जैन इन हरकतों को कथित तौर पर अंजाम दे रहा था। कुछ नहीं किया था उस वक्त की सरकार ने, उल्टा उस औरत पर ही सेक्सटॉर्शन का आरोप लगा दिया गया, यानी कि सेक्स के बहाने पैसे ऐंठने का आरोप, और उसे जेल भेज दिया गया था। शुक्र है कांग्रेस ने मेवा राम जैन को पार्टी से निकाल बाहर कर दिया है, शुक्र है। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। मगर आप और हम जानते हैं दोस्तों, हमारे इस देश में लंबा चौड़ा इतिहास है। राम रहीम, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस व्यक्ति को पैरोल पर रिहा कर रही है। कुलदीप सिंह सेंगर इस वक्त खुलेआम घूम रहे हैं बेल पर। याद कीजिएगा, एक लंबे अरसे के बाद पार्टी ने इन्हें निलंबित किया था। स्वामी चिन्मयानंद का वो वीडियो याद है आपको? नाबालिग लड़कियों के साथ ये आदमी देखा गया था। भारतीय जनता पार्टी एक अरसे तक इस मुद्दे पर खामोश थी। लंबी चौड़ी दास्तानें हैं। आप भूल गए बृजभूषण शरण सिंह, इनके खिलाफ तो दिल्ली पुलिस ने बाकायदा चार्जशीट दाखिल की है। मगर यह व्यक्ति चौड़ा होकर संसद की कार्रवाई अटेंड करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री के पीछे बैठता है। कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। सबसे अजीबोगरीब बात, कुश्ती संघ का चुनाव होता है तो इसी का व्यक्ति दोबारा अध्यक्ष बन जाता है। फिर जब मीडिया में बवाल होता है तब भाजपा को शर्म आती है और फिर उन चुनावों को रद्द कर दिया जाता है। इस देश में नारी सम्मान कितना बड़ा ढकोसला है। मैं आपसे मेवा राम जैन की बात करूंगा दोस्तों, शॉकिंग खबर है। मगर आप में से कई लोग अंकिता भंडारी को भूल गए हैं, याद है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बेटा पुलकित आर्या और उसके दो साथियों पर आरोप लगता है अंकिता भंडारी की हत्या का। अंकिता भंडारी ऋषिकेश की एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी, याद है कि भूल गए आप? अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया जा रहा था एक बहुत बड़े भाजपा के नेता के साथ रात को उसके कमरे में रात बिताने का। अंकिता भंडारी मना कर रही थी। उसके बाद उसकी लाश मिलती है और उसकी हत्या का आरोप किस पर लगता है? भाजपा के नेता विनोद आर्या के बेटा पुलकित आर्या पर। मगर आप ये कह रहे हैं कि आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अंकिता की मां सामने आई है दोस्तों। उसने किसी और पर नहीं, सीधे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पर आरोप लगाया है कि उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। वो ये भी कह रही कि जो जो लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, राज्य सरकार उन पर कड़ाई से कार्रवाई कर रही है, उन पर दबिश डाल रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, वो परिवार पहले से ही नरक से गुजर रहा है, ऐसे में पुष्कर धामी पर यह आरोप लग रहा है कि जो लोग अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़े हुए हैं उन पर दबिश डाली जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप अंकिता भंडारी की मां को सुनिए। मैं उनकी पहचान को छुपा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं समझ सकता हूं परिवार किस नरक से गुजर रहा है।
मगर मैं चाहूंगा कि आप अंकिता भंडारी की मां की आवाज को सुनिए, उसके आरोपों पर गौर कीजिए, क्योंकि आज अंकिता भंडारी की बात कोई नहीं कर रहा है। हम सब भूल गए हैं अंकिता भंडारी और उसे इंसाफ दिलाने को लेकर। कुछ देर बाद मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का वो जो नेता है विनोद आर्या, उसके बेटे पुलकित आर्या पर क्या क्या आरोप हैं। सुनिए अंकिता की मां दरअसल कह क्या रही है। मैं अंकिता की मां धामी सरकार के लिए कुछ कहना चाहती हूं। धामी ने तो मेरे साथ शुरू से ही अत्याचार किया है। धामी तो एकदम झूठा निकला, हमेशा झूठे वादे किए कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन आप सभी को पता है कि धामी ने कुछ भी नहीं किया। मुझे ना ही मेरी बेटी को न्याय दिया और ना ही हमें किसी प्रकार का न्याय अभी तक मिला। और यहाँ तक कि जो वो जेसीपी वाले हैं, जिसने परसों बयान दिया कि रेणु बिष्ट और प्रमोद कुमार ने इनके कहने पर उन्होंने जेसीपी चलाई, तो क्यों धामी सरकार ने अभी तक इन दोनों पर कार्रवाई नहीं की। मैं ये भी कहना चाहती हूं कि उन्होंने हमारे आशुतोष भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, क्यों वो हमारे आशुतोष भाई के पीछे पड़े हुए हैं। एकमात्र वही तो है जो हमारी बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं, और उन्होंने उनकी मिसिस का ट्रांसफर भी पिथौरागढ़ करने की साजिश की है। मैं धामी सरकार को चेतावनी देती हूँ कि अगर उन्होंने आशुतोष भाई का मुकदमा वापस नहीं लिया और उनकी बीबी का ट्रांसफर वो नहीं किया, ट्रांसफर की अर्जी वापस नहीं की, तो मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरे साथ दो महीने से यहाँ बिस्तर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मैं पहले से परेशान हूँ। मैं धरने पे भी बैठ सकती थी वहाँ कलेक्टर के सामने, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे साथ बिस्तर में लेटी हुई है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उनका आज और कल कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे अभी अभी किसी ने बताया कि आशुतोष भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। अगर आशुतोष भाई को कुछ भी हुआ, उनकी मिसेज का ट्रांसफर हुआ और उनको उनकी बीवी बच्चे को कुछ भी हुआ, तो पहले उन्हें अंकिता की माँ की लाश के गुजरना पड़ेगा। इसके बाद मैं धामी सरकार से कहती हूँ कि मैं नहीं जानती ये मुकदमा जल्दी से जल्दी उन्हें वापस लेना होगा। एक तरफ अंकिता भंडारी की मां, दूसरी तरफ मेवाराम जैन का ये शॉकिंग वीडियो। आज हम मेवाराम जैन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो वीडियो है ना, वो उस वक्त का है जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। इस आदमी पर कोई दबिश नहीं थी दोस्तों, याद कीजिएगा, जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो उस वक्त नारी सम्मान को लेकर, नारी सुरक्षा को लेकर लगातार भाजपा ने चुनावी मुद्दा बनाया था। उस वक्त उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब जब सरकार बदली तब जाकर यह मामला सामने आया है। बेटी हूं लड़ सकती हूं, यह नारा देना बहुत आसान है प्रियंका जी, मगर बेटियों के साथ कथित तौर पर क्या हो रहा था, मेवाराम जैन के ये दो वीडियोस वायरल हो रहे थे, वो इस बात की बानगी है। रही बात अंकिता भंडारी की, उसे तो हम सब भूल गए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पुलकित आर्या और दो अन्य लोगों पर किन गंभीर मामलों के तहत यह केस चल रहा है। कोर्ट की ओर से तीनों आरोपियों पर हत्या, सेक्सुअल हरासमेंट, साक्ष्यों को छुपाने के लिए आईपीसी की धाराओं और वैश्यावृत्ति के धंधे में ढकेलने के मामले में भी वैश्यावृत्ति अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्या पर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, धारा 201 यानी साक्ष्य छुपाना, 354A यानी छेड़खानी एवं लज्जा भंग और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 51D के तहत गलत तरीके से देह व्यापार में ढकेलने के आरोप लगाए हैं। दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर पर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 201 यानी साक्ष्य छुपाना और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। वहीं तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 201 यानी साक्ष्य छुपाना और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। इतने गंभीर आरोप, मगर सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का वो कौन सा बड़ा नेता था जिसके चलते अंकिता पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो रात को कमरे में उसके साथ वक्त बिताए। यही बात तो अंकिता की मां कह रही है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या पुष्कर धामी एक मां को इंसाफ दिलाएंगे? कहीं पुष्कर धामी
पुलकित आर्या पर नर्म तो नहीं है? कहीं जेल के अंदर उनकी खातिरदारी तो नहीं हो रही? भाई ये सवाल हैं, उठाए जाने बहुत जरूरी हैं। मीडिया अगर अपने फर्ज से हट गया हो, मगर मैं अपने फर्ज से नहीं हटने वाला हूं। नारी सम्मान के मायने बदल नहीं जाते हैं अगर पॉलिटिकल पार्टी बदल जाती है। मीडिया ये बात क्यों भूल जाती है? मेवाराम जैन अगर मुद्दा है तो अंकिता भंडारी भी मुद्दा है। मेवाराम जैन का मामला तो बहुत शॉकिंग है दोस्तों। दैनिक भास्कर इस मामले के बारे में क्या कहता है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आपके स्क्रीन पर, गैंग रेप का आरोपी पूर्व विधायक कांग्रेस से निलंबित, पॉक्सो सहित 18 धाराओं में केस दर्ज। कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है इतने दिनों बाद, क्या कांग्रेस आलाकमान को इस मामले का बिल्कुल भी नहीं पता था? दोस्तों दैनिक भास्कर इस मामले के बारे में क्या कह रहा है वो बहुत शॉकिंग है। सबसे पहले इस बात पर गौर कीजिए, विधायक था इसीलिए महिला को सेक्सटॉर्शन में गिरफ्तार करवा लिया। मैं आपको बतला चुका हूं, मां और बेटी, मां को एक व्यक्ति के जरिए एक होटल में लाया जाता है। आरोप यह लगता है कि उसे नशा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, वीडियो बना लिया जाता है, उसके बाद मां के साथ वही हरकत करने का आरोप मेवाराम जैन पर लगता है। मामला क्या है आपके स्क्रीन पर, विधायक था इसलिए महिला को सेक्सटॉर्शन में गिरफ्तार करा लिया। पीड़िता ने मेवाराम सहित 9 लोगों के खिलाफ जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में SC/ST एक्ट, गैंग रेप, पॉक्सो सहित 18 धाराओं में मामला दर्ज करवाया था। साल 2022 में भी इस वीडियो से जुड़े 3 स्क्रीनशॉट सामने आए थे। उसके बाद 30 अक्टूबर 2022 को बाड़मेर कोतवाली थाने में पीड़िता के खिलाफ सेक्सटॉर्शन का मामला दर्ज करा दिया गया था। यहां तो उल्टी गंगा बह रही थी साहब, इंसाफ मिलना दूर की बात, उसी पर सेक्सटॉर्शन का आरोप लगा दिया गया। आगे देखिए, डीएसपी और कोतवाल भी साजिश में आरोपी, यानी कि पुलिस भी मदद कर रही थी। आपके स्क्रीन पर, 20 दिसंबर को जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में मेवाराम, रामस्वरूप आचार्य, कोतवाल गंगाराम खावा, दाऊद खान, बाड़मेर डीएसपी आनंद सिंह राजपुरोहित, बाड़मेर के प्रधान प्रतिनिधि गिरधर सिंह सोढ़ा, नगर परिषद उपसभापति सुरतान सिंह, प्रवीण सेठिया, गोपाल सिंह राजपुरोहित समेत 9 लोगों के खिलाफ 18 धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। सत्ता ताकत पुलिस का यह शर्मनाक कॉकटेल जो एक महिला और उसकी बेटी पर ज्यादती कर रहा था। आप में से कई लोगों के जहन में सवाल हुआ कि आखिर वो मां इस मामले में कैसे फंस गई, यह भी मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। बस में मिले शख्स के जरिए विधायक से मिली थी। 20 दिसंबर 2023 रात को महिला ने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि वो 2021 में पचपदरा अपने पिता के इलाज के लिए जा रही थी। बस में उसकी मुलाकात रामस्वरूप से हुई, उसने दोस्ती की, फिर उसे किसी होटल में लेकर गया, वहां उसने नशे की गोलियां देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। रेप के दौरान यानी दुष्कर्म के दौरान उसने वीडियो और फोटो भी बना लिया और ब्लैकमेल करने लगा। यह उस औरत की दास्तान है। और यह जो वीडियो सामने उभर कर आया ना दोस्तों, यह उसकी बेटी ने बनाया है। यह तो शुक्र है सरकार बदल गई, कम से कम इंसाफ की एक उम्मीद मां और बेटी को दिखाई दे रही है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मामले की जांच होनी चाहिए, मगर बड़ी बात वीडियो सामने आ गया है, उसमें मेवाराम जैन कथित तौर पर दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। कांग्रेस ने निलंबित कर दिया, मगर सोचिए किसी चमत्कार से अगर अशोक गहलोत की सरकार दोबारा आ जाती तब क्या होता, क्या मेवाराम जैन पर कोई कार्रवाई होती? सवाल ही नहीं साहब, सवाल ही नहीं। ये मामला अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचता ही नहीं। अब कम से कम एक उम्मीद दिखाई दे रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप जानते हैं कल से मेरे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो अंधभक्त हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर तुम चुप क्यों हो। सबसे पहली बात, यह मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दूसरी बात, यह मुद्दा कल मैंने क्यों नहीं उठाया था, कुछ पर्सनल कारण थे। मैं अपने मां बाप से मिलने गया था, मैं वापस लौट रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है मेरे पास वक्त नहीं था। यह एक सीधा और सरल कारण है।
मगर अंध भक्तों में तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नारी सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा अभिसार शर्मा उसे लगातार उठाता है, बार बार उठाता है और पीछे कभी नहीं हटता है। तुम बताओ ना, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है, 6-6 महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, तुम्हारे मुंह पर क्यों ताला है? क्या तुमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि आप इस मुद्दे पर खामोश क्यों? कुलदीप सिंह सेंगर पर एक अरसे से नरमी थी, एक अरसे से एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया, रहस्यमय तरीके से परिवार के सदस्य एक्सीडेंट्स में मारे जाने लगे, पिता की मौत थाने में हो गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर पर तुम लोगों ने कितना अपनी आवाज को बुलंद किया है बताओ ना, बताओ। स्वामी चिन्मयानंद का वीडियो है दो नाबालिग लड़कियों के साथ, तुमने कभी उस पर अपना आक्रोश दिखाया है? राम रहीम को आधा दर्जन से ज्यादा बार पैरोल मिल गया है, तुमने सवाल किया कि भाजपा के नेता उसके दरबार में जाके उसके सामने नतमस्तक क्यों होते हैं? आरोपी नहीं है, उस पर गुनाह साबित हुआ है। मैं फिर तुमसे सवाल पूछता हूं, तुम्हारी अंतरात्मा इस बात की इजाजत कैसे देती है? अंधभक्ति में तुम ये मुद्दे उठाते हो कि नहीं उठाते हो? नारी सम्मान की जब भी बात आएगी, ज्यादती नाइंसाफी की जब भी बात आएगी, मैं वो मुद्दे अपने मंच पर उठाऊंगा, मगर तुम लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है, क्योंकि नारी सम्मान कहने को कुछ और, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।